चीन के नाक के नीचे भारतीय सेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास देख रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में चल रहा है, तस्वीरें देखिए किस तरह से भारतीय सेना का लद्दाख में युद्धाभ्यास चल रहा है। तस्वीरें देखिए, पिछले साल जिस तरह से चीन की सेना ने हरकतें की थी, उसके बाद भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है चीन की सेना को जवाब देने के लिए। आसमान हो, जमीन हो, पानी हो, हर तरह से हर जगह भारतीय सेना चीन की सेना को जवाब देने के लिए तैयार है। तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में ये युद्धाभ्यास चल रहा है। तस्वीरें देखिए, ये संभवतः सबसे बड़ा लद्दाख में युद्धाभ्यास है। और इस युद्धाभ्यास की खासियत यह है कि इसमें सेना, वायुसेना और अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों की बहुत अच्छी तीनों चीजों को लेकर जुगलबंदी की गई है। तस्वीरें देखिए किस तरह से युद्धाभ्यास चल रहा है। ये एलओसी पर पिछले साल जो चीन ने हरकतें की थी, उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय सेना हर तरह से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारतीय सेना 14,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर शत्रुजीत ब्रिगेड के चुनिंदा पैराशूटर को हवाई जहाज से ड्रॉप किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरह से ये सामान है, सैन्य सामान है, उसको किस तरह से ड्रॉप किया जा रहा है। तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से भारतीय सेना के जवान युद्धाभ्यास कर रहे हैं। देखिए किस तरह से सैन्य सामान है, उसको ड्रॉप किया जा रहा है पैराशूट के जरिए। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना देखिए किस तरह से युद्धाभ्यास कर रही है। लद्दाख के पूर्वी लद्दाख में 14,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर शत्रुजीत ब्रिगेड के चुनिंदा पैराट्रूपर्स को हवाई जहाज से ड्रॉप किया जा रहा है। इसके साथ ही सैन्य उपकरण और विशेष सैन्य वाहन भी उसी तरीके से नीचे आसमान से जमीन पर गिराया जा रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरह से भारतीय सेना का ये युद्धाभ्यास चल रहा है। Cars, are they going to lay again? Yes, sir. और भी लेके आ रहे हैं 24 अलर्ट सर। यार इनको बोलो बस करो।